एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था अटलांटा। वहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सेनोरिटा। ये जो गांव था ये मार्स में था और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था क्लिंटन। क्लिंटन अपनी शक्तिशाली चीज़ों के लिए जाने जाते थे। क्लिंटन की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, पूरी दुनिया में कब्जा करना, और उसको पाने के लिए वो कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सेनोरिटा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल थे गोल्डन कलर के, उसकी आंखें ब्लू थी और बुरेली थी। कोई भी लड़का पहली बार देखकर ही सेनोरिटा के प्यार में पड़ने के लिए पागल हो जाता था। सेनोरिटा को सब लोग बहुत चाहते थे और सेनोरिटा के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ भी थी। वो टाइम को कंट्रोल कर पाती थी और उसके पास लड़ने की भी बहुत शक्ति थी। बचपन से ही उसको युद्ध विद्या सिखाया गया था। क्लिंटन ने अपनी इस हो चीज़ को पूरा करने के लिए कि उसको पूरा विश्व विजय, उसने सेनोरिटा को भी वैसे ही ट्रेनिंग देना शुरू किया था। क्लिंटन ने अपने मकसद में कामयाब भी होने लगे थे। उन्होंने सैटर्न और नेपच्यून पे अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद उनका टारगेट था अर्थ, बट अर्थ पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि अर्थ में मनुष्य रहते थे जो ऑलरेडी एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और अर्थ का जो राजकुमार था ग्रूट मास्क, उसको अपनी शक्तियों के बारे में अंदाजा नहीं था, बट ग्रूट मास के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी जो शक्तियाँ क्लिंटन या फिर उसकी बेटी किसी के पास भी नहीं थी। ग्रूट मास्क एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला लड़का, मोटे मोटे चश्मे पहनने वाला, किताबों में ढके रहने वाला, किसी को पता ही नहीं था कि उसको पास पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की शक्ति है, आग को कंट्रोल करने की शक्ति है, वायु को कंट्रोल करने की शक्ति है, यहाँ तक कि हवा को और पानी को भी कंट्रोल करने की शक्ति है। ग्रूटमास को खुद भी पता नहीं था कि उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। वो एरिजोन का प्रिंस था। एरिजोन के सारे लोग क्लाउड्स पे रहते थे। उनका मेन काम था पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना, बट पृथ्वी के ऊपर कोई खतरा है ये एरिजोन के प्रिंस को और कुलगुरु को लगता था। इसीलिए उन्होंने ब्रूट मास्क को नॉर्मल सिटीजन्स के बीच भेज दिया था एक नॉर्मल इंसान बनाकर, और उसकी उससे याददाश्त भी छीन ली थी ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके और दुनिया में किसी को भी ये पता ना चल सके कि वो एक्चुअली एरिजोन का प्रिंस है जिसका काम है पृथ्वी को प्रोटेक्ट। पर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। इतने छुपाने के बावजूद भी क्लिंटन को सच्चाई की पता चल गई और क्लिंटन ने वही प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि इस मिशन के लिए वो अपनी बेटी सेनोरिटा को चुनेगी जिसको वो इतने सालों से ट्रेन कर रही है। सेनोरिटा को वो अर्थ में भेजेगी और फाइनली सेनोरिटा अपने हुसन के जाल पर ग्रूट मास्क को फंसा लेगा और वो ग्रूट मास्क को बहला फुसला कर मार्स पे लेकर आएगा। और एक बार वो मार्स पहुंच गया तो ग्रूट मास्क को कंट्रोल करना और उसको यूज़ करके पूरे पृथ्वी पर कब्जा करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ग्रूट मास्क की अद्भुत शक्तियों के सहारे वो बाकी जो यूनिवर्स के प्लैनेट्स हैं उस पर भी अपना कब्जा जमा सकता है। तो जैसे क्लिंटन ने प्लान किया था, उसने सेनोरिटा को अर्थ पे भेज दिया और उसको उसी कॉलेज में दाखिला करवाया जिस कॉलेज में ग्रूट मास्क पढ़ता था। और जैसे उसने सोचा था, पहली नज़र में ग्रूट मास्क को सेनोरिटा से प्यार हो गया। पूरे कॉलेज सेनोरिटा का दीवाना हुआ चला जा रहा था क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। पर सेनोरिटा को अपना टारगेट पता था इसीलिए स्टार्टिंग में वो उसका उतना भाव नहीं दे रही थी। बट कहते हैं ना, किस्मत जिनको साथ में लाना चाहती है उनको लाकर छोड़ती है। तो किस्मत भी कुछ अजीब खेल रही थी इन दोनों के साथ। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया और लकीली या अनलकीली ग्रूट मास्क और सेनोरिटा दोनों एक साथ उस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हुए। और फिर धीरे धीरे काम करते करते सेनोरिटा अपने अंजाम की तरफ, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो ग्रूट मास्क के साथ दोस्ती करने लगी और उसके साथ घूमने फिरने लगी। जैसे ही धीरे धीरे ग्रूट मास्क और सेनोरिटा की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, तब सेनोरिटा को लगा कि सिर्फ दोस्ती करके सेनोरिटा ग्रूट मास्क के दिल में अपनी लिए जगह नहीं बना सकती। इसीलिए उसने वही टेक्निक यूज़ किया जो हर लड़की यूज़ करती है,
टेक्निक ऑफ जेलसी। उसने कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के साथ घूमना फिरना शुरू किया, बात करना शुरू किया, और सारे लड़के भी ब्रूटमास को चिढ़ाते थे जब वो लोग देखते थे कि सेनोरिटा ब्रूटमास के साथ घूमती है। सब लोग बोलते थे कि उस ना वो देखने में खूबसूरत है, ना उसके पास अक्ल है, ना उसके पास कोई एडिशनल कुछ है, तो फिर क्यों उतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ घूमना चाहे। जब पूरा कॉलेज ब्रूटमास को चिढ़ाता था, सेनोरिटा सबके सामने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी, बट वो फाइनली ये भी बोलती थी कि ब्रूटमास सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है, और उसने ब्रूटमास को जेलस फील करवाने के लिए कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का मिस राघव के साथ घूमने लगी, और ब्रूटमास को ये बोलने लगी कि उसे राघव पसंद है। सेनोरिटा को पता था कि ग्रूट को अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता है, और उसको अपनी शक्तियों के बारे में तभी पता चलेगा जब वो अपनी किसी अपनी की जान बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। तो उसको लगा कि यही मौका है सेनोरिटा अपनी जान को खुद खतरे में डालकर ब्रूटमास के पावर्स को बाहर निकाल सकती है। और एक बार धीरे धीरे सेनोरिटा ने ब्रूटमास की सारी पावर्स बाहर निकाल ली और उसकी याददाश्त वापस आ गई, तो उसके मकसद को अंजाम देने के लिए उसके लिए बहुत, इसीलिए उसने प्लान किया। उसने अपने कुछ एलियन दोस्तों को बुलाया और उनको बोला कॉलेज में अटैक करने के लिए, उनको टेररिस्ट का रूप धरने के लिए बोला। और जब उन लोगों ने कॉलेज में अटैक किया तो सब लोग डर गए, पूरा कॉलेज स्टूडेंट से भरा हुआ था, और उन लोगों ने आकर गन्स के साथ लोगों को अटैक किया, कुछ लोगों की जान भी ले ली। टेररिस्ट रूपी एलियन ने सबको हॉस्टेज करके असेंबली में बुलाया, वहाँ पे सबको इकट्ठा किया गया, और ब्रूटमास को प्रोवोक करने के लिए सेनोरिटा ने उसके सबसे अच्छे दोस्त के ऊपर अटैक करने बोला उनको। बट उसके ऊपर अटैक होने के बावजूद भी ग्रूटमास का कोई रिएक्शन नहीं आया, और सब लोगों को पता था कि ग्रूटमास फट्टू है, इसलिए ग्रूटमास उसको बचाने की कोशिश करेगा ये इमेजिन करना सबके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे सेनोरिटा ने सोचा था, ग्रूटमास ने उसको बचाने के लिए कुछ चिल्लाया, कुछ भीख मांगी, पर अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फिर सेनोरिटा को पता चला अगर ब्रूटमास की शक्तियों को बाहर लाना है तो उसके पास एक ही तरीका है, उसको अपनी खुद की जान को खतरे में डालना पड़ेगा। उसने एलियंस को वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने बोला कि एलियन को बोला मुझ पे अटैक करो तुम लोग, तो एलियन ने जैसे सुना उन्होंने वही कमांड किया। सेनोरिटा डर के मारे चिल्लाने लगी, ब्रूटमास को बुलाने लगी और बचाओ बचाओ करने लगी। सेनोरिटा को खतरे में देख कर ब्रूटमास का दिल पिघल गया। पहले तो उसने बहुत मिन्नतें की टेररिस्ट से उनको छोड़ देने के लिए, बट फाइनली जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसके अंदर एक गुस्सा आने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, बट उसके दिल से एक ख्वाहिश आ रही थी कि किसी भी तरह से उसको सेनोरिटा को बचाना है, क्योंकि सेनोरिटा उसकी ज़िंदगी है, वो पहली लड़की है जिससे उसने प्यार किया था, वो बचपन से ऑर्फन था, उसकी ज़िंदगी में जो पहली इंसान जिसके साथ उसका इतना अच्छा रिश्ता बना था वो सेनोरिटा थी, और इसीलिए वो सेनोरिटा को किसी भी हाल पे नहीं खोना चाहता था। और जैसे जैसे वो ये सारी चीज़ें सोचने लगा उसका रूप परिवर्तन होने लगा, वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन गया, और अंगूठिए आगे उसने तुरंत हवा को आदेश दिया, हवा तुम पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाओ। जब भी हवा चलने लगी बहुत जोर से, उसी दौरान सेनोरिटा को बचाने के लिए ब्रूटमास बहुत जोर से दौड़ा और उसने टेररिस्ट के हवाले से सेनोरिटा को बचा लिया। फिर उसने फायर को ऑर्डर किया ताकि पूरे कमरे में आग लग जाए जहाँ पे टेररिस्ट खड़े थे। जब वहाँ पे आसपास थोड़ी थोड़ी आग निकलने लगी तो टेररिस्ट का ध्यान अपने आप को बचाने की तरफ था। उसी मौके का फायदा उठाकर ब्रूटमास ने सबको बचा लिया और सबको उस कमरे से निकाल दिया। हवा और आग जब अपना काम कर रही थी उस वक्त उसने पानी को भी आदेश दिया कि कुछ टेररिस्ट के ऊपर पानी बौछार हो जाए। जब लोग वो लोग पानी और बारिश की वजह से कुछ देख नहीं पा रहे थे, उसी वक्त टेररिस्ट को पुलिस के हवाले कर दिया ब्रूटमास ने। ब्रूटमास ने अपनी सारी शक्तियों के इस्तेमाल के पूरे कॉलेज को बचा लिया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ब्रूटमास के पास इतना पावर था, पर फाइनली जो कुछ भी हुआ सब लोग खुश हुए और ब्रूटमास कॉलेज का सबसे बड़ा हीरो बन गया। इस घटना के बाद से ब्रूटमास की ज़िंदगी बदली, सिर्फ कॉलेज के लोगों की नज़रों पर नहीं,
सिनोरिटा के साथ उसका रिश्ता भी बदला। वो और सिनोरिटा एक रिश्ते में बंधने लगे। सिनोरिटा बूटमास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी और कुछ दिन बाद उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। बूटमास की खुशी का ठिकाना नहीं था। बूटमास को लगा मानो उसकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो गए, वो एकदम सातवें आसमान में था। इधर सिनोरिटा भी खुश थी क्योंकि वो धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रही थी। बट एक सवाल था, ग्रूटमास खुद से करता था, उसके पास इन शक्तियों के बारे में उसको खुद कुछ याद नहीं आता था। कभी कभार कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसको दिखती थी एक क्लाउड के राजा के बारे में, या फिर छोटी छोटी यादें आती थी, बट उसको अपनी आइडेंटिटी अभी तक याद नहीं आई थी। और जब तक उसकी पूरी आइडेंटिटी उसको याद नहीं आ जाती, सिनोरिटा अपने पूरे मकसद में कामयाब नहीं हो सकती थी। इसलिए सिनोरिटा हमेशा कोशिश करती ग्रूटमास को याद दिलाने की, या छोटी छोटी बातें करती। पर ऐसे करते करते ग्रूटमास को धीरे धीरे अपनी पिछली ज़िंदगी की चीज़ें याद आने लगी। उसको अपना अतीत, एरिजोना, सब कुछ याद आने लगा। एक दिन फाइनली उसको सब कुछ याद आ गया, कैसे वो क्लाउड्स में रहता था और वहाँ का राजकुमार हुआ करता था। उसकी याददाश्त वापस आने के बाद ग्रूटमास ने सोचा वो अपनी अपनों से जाकर मिलेगा, इसीलिए वो एरिजोना गया और जाके वहाँ के राजा से मिला। चार्ल्स ग्रूटमास को देखकर बहुत खुश हुए। पहले वो आश्चर्यचकित हो गया कि ग्रूटमास को सब कुछ याद कैसे आया। फिर जब उन्होंने पूरी कहानी उसको बताई तो चार्ल्स बहुत खुश हुआ और अपने प्रिंस को राज में स्वागत किया। वो लोग सिनोरिटा से भी मिलना चाहते थे कि जिस लड़की के पास इतनी पावर है कि वो नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी उसके बेटे को सब कुछ याद दिला सकती है, तो उस लड़की में खास कुछ शक्तियाँ ज़रूर होगी। और जैसे उन लोगों ने डिज़ायर प्रकट किया, सिनोरिटा को लेकर ग्रूटमास एक दिन चाँद पे भी गया। वो देखकर मानो चाँद पे एक जश्न सी आ गई। सब लोगों ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। सब लोगों ने उसे ग्रूटमास की रानी के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। वही थी नेक्स्ट रानी चाँद की। सब लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और खुले दिल से अपनाया। ये सब देखकर सिनोरिटा के दिल में एक गिल्टी फील होने लगा। वो खुद ब खुद अपने आप को कोसने लगी कि जहाँ पे लोग उसको इस तरह से अपना रहे हैं, ग्रूटमास उसके इतना प्यार बरसा रहा है, चार्ल्स और पूरी प्रजा उससे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, वहाँ पे वो इन सब का विश्वास तोड़ रही है और इनको धोखा देने वाली है। कुछ ही दिन में वो उनके राजा को लेकर जाने वाली है और इस पूरे पृथ्वी को वो लोग कब्जा करने वाले हैं। दिन बीतने लगे और सिनोरिटा का गिल्टी कॉन्शियस बढ़ने लगा। फाइनली सिनोरिटा ने एक फैसला किया। उसने सोचा अब कुछ भी हो जाए वो ग्रूटमास को मार्स में नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि उसको पता था ग्रूटमास जब तक अर्थ में है या मार्स के बाहर है उसकी शक्तियाँ काम करेंगी। बट एक बार वो मार्स में चला गया और वहाँ पे क्लिंटन की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि ग्रूटमास कुछ नहीं कर पाएगा और ये पूरा पृथ्वी, यहाँ तक कि सारे यूनिवर्स तब क्लिंटन के अंडर चले जाएंगे। और क्लिंटन का एक ही मकसद था, सबको अपने वश में करना। क्लिंटन के मकसद की वजह से लोगों को कितनी हानि होने वाली है सिनोरिटा को वो साफ साफ दिख रही थी। उसने पृथ्वी में रहा था और यहाँ के लोगों की खुशहाल ज़िंदगी के बारे में उसे पता था, और वो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को खतरे पे नहीं डालना चाहती थी। सिनोरिटा ने एक फैसला किया कि वो किसी भी हाल में ग्रूटमास को लेकर नहीं जाएगी, पर उसको ग्रूटमास को सारी बच्चाएँ बतानी थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो दिल से तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भी ग्रूटमास से प्यार करने लगी थी और उसको एक डर था अगर ग्रूट को सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो शायद ग्रूट उससे नफरत करेगा और उससे कभी बात नहीं करेगा। इधर क्लिंटन बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ एलियंस को भेजता था स्टेटस देखने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए। बट फाइनली सिनोरिटा उनको समझा बुझा कर या फिर उन्हें हरा कर वापस भेज देती थी। कुछ एलियंस को तो उन्होंने उसने मार भी दिया था जो लोग ग्रूट की हार्म करने के बारे में सोच रहे थे। कहते हैं ना, सच्चाई से आप ज़्यादा दिन तक नहीं भाग सकते। फाइनली वो दिन आ गया जब क्लिंटन खुद पृथ्वी पे आया सिनोरिटा से बात करने, और वो सिनोरिटा को एक वार्निंग देकर गया कि अगर दो दिन तक वो ग्रूटमास को लेकर मार्स में वापस नहीं आई तो वो अपनी पूरी सेना के साथ अर्थ को अटैक कर देगा और अर्थ को तहस नहस कर देगा। कहीं ना कहीं क्लिंटन को ये समझ आ रहा था कि ग्रूटमास के प्यार में सिनोरिटा पिघल रही थी और वो अपने मकसद को भूल रही थी, क्योंकि उसको पता था सिनोरिटा का दिल उतना पत्थर नहीं था। सिनोरिटा के दिल में सबके लिए प्यार था और वो एक मासूम सी लड़की थी जिसको वो सिर्फ यूज़ कर रहा था अपनी नाकामयाब इरादों को पाने के लिए। क्लिंटन
समझ गया था अभी धीरे धीरे सेनोरिटा उसके हाथ से निकल रही है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, उसको सेनोरिटा और रूटमास को अपने कब्जे में करना ही था अपनी कामयाबी को पाने के लिए। जैसे उसने कहा, सेनोरिटा इस बात को सुनकर बहुत डर गई। पहले तो वो बहुत रोई, फिर कुछ देर तक अकेले रही और फाइनली उसने वो सबसे बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि उसको ये सच्चाई अभी रूट को बताना ही पड़ेगा और चांद के लोगों से उसको मदद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी और उसके साथ साथ रूट मास को भी उसको खोना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। सेनोरिटा ने सोचा, लड़खड़ाते कदमों के साथ वो ग्रूट के पास जा पहुंची। ग्रूट उसको वैसे देखकर पहले डर गया और उससे पूछने लगा क्या हुआ है। सेनोरिटा रोते हुए कुछ देर फाइनली ग्रूट को बोली कि मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है ग्रूट, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। शायद जानने के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे माफ़ नहीं करोगे, पर मुझे तुम्हें ये सच्चाई बतानी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। और उसने अपनी पूरी कहानी ग्रूट को बता दी। पहले ग्रूट सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसके नफरत करने के बारे में सोच रहा था। फिर उसने सोचा, अगर इस लड़की के दिल में इतनी अच्छाई है कि उसने अपने पापा का साथ नहीं देकर मुझे सारी सच्चाई बताने आई है, हो सकता है पहले उसके इरादे सही नहीं थे जो उसके परवरिश की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अब वो सबका भला चाहती है और वो पूरी दुनिया को बचाना चाहती है, तो अभी इस वक्त उससे झगड़ा करना या फिर उसको नफरत करने का वक्त नहीं है। अब उसको उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया को बचाना है। और वही सोचकर तभी के तभी वो ग्रूट और सेनोरिटा को लेकर वो लोग चांद पर चले गए। चांद पर जाके उन्होंने चार्ल्स को सारी सच्चाई बताई। चार्ल्स तो पहले बहुत गुस्सा हुआ, बट फाइनली जब ग्रूट ने उसे समझाया और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया तो फिर चार्ल्स भी समझ गए। सेनोरिटा ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया था और वही प्लान उसने ग्रूट और चार्ल्स के साथ शेयर किया और उन लोगों ने वैसे ही करने के बारे में सोचा जैसे सेनोरिटा बोल रही थी। उसने बोला कि दो दिन बाद वो क्लिंटल को प्रॉमिस करेगी कि वो ग्रूट को लेकर मार्स में जा रही है, बट वो एक शर्त रखेगी कि क्लिंटन को खुद लेने आना होगा ग्रूट को मार्स के बाहर, क्योंकि ये इच्छा है ग्रूट की। सेनोरिटा को पता था कि उसके पापा कितने एम्बिशियस हैं, तो अपने छोटे से फ़ायदे के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा और वो मार्स से ज़रूर बाहर आएगा ग्रूट को लेकर जाने के लिए। और इसी बहाने तब चांद के सब लोग ग्रूट को बचा सकते हैं और क्लिंटन पे अटैक कर सकते हैं। वो लगा था वो अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करेगी और ऐसे कन्विंस करेगी ताकि वो अकेले आए। इन दैट केस कोई युद्ध भी नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से लिपट जाएगा। जब भी क्लिंटन अकेला आएगा तो वो सब मिलकर क्लिंटन को मार देंगे और पूरी पृथ्वी को बचाएंगे। फाइनली सेनोरिटा ने ग्रूट को सारा प्लान समझाया और क्लिंटन की तरफ वो जाने लगी। क्लिंटन को उसने जाकर बताया कि ग्रूट का एक ही शर्त है कि ग्रूट चाहता है क्लिंटन उसको लेने मार्स से बाहर आए। क्लिंटन को पहले कुछ शक हुआ, बट उसने जब सोचा कि उसको फाइनली आपका मनचाहा वर मिल जाएगा और वो पूरी पृथ्वी पे राज कर पाएगा, तब उस वो मान गया आसानी से। और जैसे उन लोगों ने सोचा था, वो फाइनल दिन आ गया जब ग्रूट और सेनोरिटा मार्स की तरफ जाने लगे। सेनोरिटा एक बार बहुत प्यार से ग्रूट की तरफ देखी और उसने पहली बार ग्रूट का कहा, ग्रूट आई लव यू। सेनोरिटा की आंखों में वो प्यार देखकर और वो एक्सप्रेशन देखकर ग्रूट की आंखों से जैसे आंसू निकल गए। सेनोरिटा बोली, ग्रूट एक चीज़ याद रखना, मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं किया। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया है और वो तुम हो ग्रूट। ग्रूट ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो गया, बट वो लोग ऑलरेडी मार्स के करीब पहुँच चुके थे और उसके पहले कि ग्रूट कुछ कह पाता, क्लिंटन उसके लिए उसके सामने खड़ा था। क्लिंटन को देख गया, फिर उसको याद आया कि अभी उसको क्लिंटन को मारना है और अपनी राजकुमारी और पूरी दुनिया को बचाना है। जैसे उसने सोचा, तभी के तभी उसने क्लिंटन पर अटैक किया, बट ये किसी को पता नहीं था कि क्लिंटन को भी शक था अपनी खुद की बेटी पर। उसको लग रहा था कि उसकी बेटी उसके हाथ से जा चुकी थी, इसीलिए उसने भी अपनी पूरी सेना के साथ मार से बाहर आया था। और जैसे सब लोगों ने सोचा था कि एक दूसरे के ऊपर सब लोग अटैक करने लगे, चारों तरफ गोलियां चलने लगी, चारों तरफ खून और चारों तरफ युद्ध। सेनोरिटा भी लड़ने लगी, बट अपने पापा की तरफ नहीं,
ग्रूट की तरफ। उसने अपनी सारी एलियन को अटैक किया, सबको हराने की कोशिश की, और ग्रूट ने भी अपनी वाटर और फायर की शक्तियों को इस्तेमाल करके एलियंस को हराने लगा। जब ऐसे घमासान युद्ध चल रहा था, तब क्लिंटन ने देखा ग्रूट किसी और के साथ फाइट कर रहा था, और उसको यही लगा कि यही मौका है ग्रूट को मारने का। उसके पास एक स्पेशल सोर्ड था। अगर किसी भी इंसान को आप उस सोर्ड से मारो तो वो एक मिनट में मर जाएगा, उसके पास कोई भी शक्तियाँ क्यों ना हो। तो उसने अपने उसी सोर्ड को निकाला और वो धीरे धीरे ग्रूट की तरफ बढ़ने लगा। ग्रूट को इसका अंदाज़ा नहीं था, ना ही चार्ल्स को। वो लोग दूसरे लोगों को हराने में बिजी थे, बट एक लड़की को ये चीज़ दिख गई थी। वो थी हमारी सेनोरिटा। तो ये देखकर दो मिनट मानो दंग सी रह गई, पर फिर फाइनली वो एक जोर से दौड़ने लगी। और इसके पहले कि उसके पापा ग्रूट को मार पाते, वो खुद ग्रूट और क्लिंटन के बीच में आके दीवार से खड़ी हो गई। क्लिंटन वो देख ही नहीं पाई कि कब सेनोरिटा उन दोनों के बीच में आ गई, और उसने पूरा सोर्ड ग्रूट पे नहीं सेनोरिटा के जिस्म में घुसा दिया। सेनोरिटा तभी के तभी जमीन पर गिर पड़ी और चारों तरफ खून से भर गई। सेनोरिटा की चीख सुनकर ग्रूट जब उसकी तरफ मुड़ा, तब उसने देखा सेनोरिटा जमीन पे पड़ी हुई है और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। इस चीज़ को देखकर मानो ग्रूट के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसको कुछ देर समझ ही नहीं आया। फिर जब उसने अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा, तब उसकी आंखों में एक घृणा थी। कोई बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? कोई बाप शक्ति के लालच में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वो किसी को भी जान लेना चाहे? क्लिंटन की आंखों में भी एक पश्चाताप था, क्योंकि वो सेनोरिटा को नहीं बल्कि क्रूट को मारना चाहता था। पर बोलते हैं ना, आप किसी और का बुरा करना चाहो तो खुद का ही बुरा हो जाता है। तो वही हुआ, सेनोरिटा को उसने मार दिया, और अब सेनोरिटा के पास कुछ ही वक्त बचे हुए थे। ग्रूट की आंखों में जो गुस्सा था, फाइनली वो बाहर आया और उसने उसी तरफ उठाकर क्लिंटन के सीने पे घोंप दिया। उसने 3-4 बार घोंपा जब तक क्लिंटन ज़मीन पे गिर नहीं जाता। क्लिंटन तभी के तभी मर गया, पर सेनोरिटा तभी तक जिंदा थी। वो ग्रूट की तरफ देख रही थी। ग्रूट उसको मार कर ही भागते हुए सेनोरिटा की तरफ आया और रोने लगा। सेनोरिटा को बोलने लगा कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। मेरी ये पूरी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ बिताने के लिए जीना चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बार अपने एक्सप्रेशन से तुम्हें बताया है, बट मैंने कभी भी अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताई है। आज जब मैं पहली बार तुम्हें अपनी दिल की बात बता रही हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच रही हो। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम पागल हो क्या? तुम मुझे बचाने के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी को खतरे में कैसे डाल सकती हो सेनोरिटा? सुन रही हो तुम सेनोरिटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर किसी भी हाल में नहीं जा सकती। की बातें सुनकर सेनोरिटा के आंखों से आंसू झरने लगे। सेनोरिटा बहुत प्यार से ग्रूट की तरफ देखते हुए बोली, ग्रूट मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं शायद ये पार्थिव शरीर छोड़ के जा रही हूँ, पर मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूँगी। तुम्हारी ज़िंदगी के हर समय तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ रहूँगी। शायद मेरा शरीर मर रहा है, बट मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और मेरी इस मृत्यु के लिए तुम कभी मत रोना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने यूनिवर्स को बचाने पे निछावर कर दिया है। तुम ही हमेशा कहते थे ना, अच्छे कर्मों के लिए अगर कुछ छोटी चीज़ें हमें खोनी भी पड़े तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लेना ये सैक्रिफाइस हमारी दुनिया के लिए है, जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी, और हमारा प्यार भी पूरी दुनिया याद रखेगी। हम लोग इस कहानी से ये सीखते हैं कि कोई भी कितना गलत क्यों ना करे, फाइनली जीत सच्चाई की होती है, और सच्चाई सबसे बड़ी होती है। सच्चाई के लिए अगर हमें अपने अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो सही है, लेकिन सच्चाई का साथ हमेशा देना।